मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। मुंब्रा में आज श्रीकांत शिंदे आ रहे हैं और यहां पर देखेंगे तस्वीरों में आप कि एनसीपी और बाला साहब की शिवसेना के जो कार्यकर्ता है वो आमने सामने आ गए, क्योंकि यहां पर एक तरफ एनसीपी का बैनर है और एक तरफ श्रीकांत शिंदे का बैनर है। क्योंकि सम्राट नगर में आज जो है यहाँ पर श्रीकांत शिंदे आने वाले हैं और यहाँ पर पूरी तैयारी जो है चल रही है। ऐसे में ये प्रवेश द्वार जो है यहाँ पर बनाया गया है और बाला साहब शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं वो लोग यहाँ पर आप देखेंगे कि मौजूद हैं, और इस तरफ देखेंगे कि एनसीपी के जो है कार्यकर्ता मौजूद हैं। यहाँ पर दोनों तरफ, एक तरफ एनसीपी के कार्यकर्ता आपको दिखाई देंगे और दूसरी तरफ जो है बाला साहब शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। लेकिन आज यहाँ पर विवाद जो है इसलिए खड़ा हो गया कि ये तस्वीरों में आप देखेंगे कि जो दो बैनर यहाँ पर लगाए गए, एक तरफ एनसीपी के जितेंद्र भाट का बैनर है और दूसरी तरफ जो है खासदार श्रीकांत शिंदे का। जो काम श्रीकांत शिंदे ने बताया कि 16 काम है और करीब 6 करोड़ की निधि से है, अब इस काम की श्रेय लेने की जो है होड़ यहाँ पर लग गई है और ये बैनर निकालने को लेकर यहाँ पर जो है दोनों तरफ के कार्यकर्ता जो है वो आमने सामने यहाँ पर आ गए। यहाँ पर काफ़ी विवाद खड़ा हो गया, जिसके बाद पुलिस को भी यहाँ पर आना पड़ा। हालांकि जो बाला साहब शिवसेना के तरफ से कार्यकर्ता है उनको और एनसीपी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने अलग थलग किया। यहाँ पर दोनों तरफ के लोग देखेंगे आप यहाँ पर अलग खड़े हुए हैं। हालांकि जो एनसीपी के पूर्व नगर सेवक है राजन दादा की ने, उनका कहना है कि विवाद जो यहाँ पर बैनर का था वो बच्चे थे, थोड़ा बहुत नादानी उनसे हो गई है और शांतिपूर्वक तरीके से ये काम जो है आज यहाँ पर करना है। लेकिन एनसीपी के तरफ से जो है कहा जा रहा है कि ये जितेंद्र भाट की जो है निधि है और उन्होंने काम किया था, यानी कि काम करने को लेकर जो है पूरा यहाँ पर श्रेय जो है दोनों तरफ से लिया जा रहा है। हम आपको सुनाएंगे कि राजन कीने ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है और उसके बाद एनसीपी के जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। दादा, यहाँ पर कुछ बैनर हटाने निकालने को लेकर कुछ आपसी विवाद में हुआ है, क्या मामला है? ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। अभी शाम को जो खासदार साहब ने उनके विशेष निधि में से जो निधि दिया है मुंब्रा के लिए, 17 काम है ऐसे मुंब्रा में, 16-17 काम है उसका, आज उन्होंने टाइमिंग दिया और आज उसका मुंब्रा और पूरे कलवा वगैरह खारेगांव सब जगह ओपनिंग है और आज वो काम का ओपनिंग करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं शाम को। तो यहाँ पर हर पहले ऐसा हुआ है कि नगर सेवकों के कामों का जो क्रेडिट है कुछ लोग ले 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 लेने का कोशिश करते थे, लेकिन अभी ऐसा हो गया कि अभी वो खासदार ने विशेष निधि दिए है वो कामों का भी क्रेडिट लेने के लिए चक्कर चल रहा है, लेकिन वो सब कुछ होने वाला नहीं है। वो खासदारों ने विशेष निधि दिया है, इससे पहले कभी कोई यहाँ पर किसी ने अपना विशेष निधि दिया नहीं है और कोई काम यहाँ पर आमदार निधि से कभी हुआ नहीं, लेकिन आज खासदार ने काम निधि दिए है और उसके काम हो रहे तो उसका क्रेडिट लेने के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग आएंगे और जाएंगे, वो तो शाम को मालूम पड़ेगा। बैनर यहाँ पर एनसीपी का भी लगा है और शिवसेना का भी बैनर लगा हुआ है, दोनों आजू बाजू में लगे हुए हैं, वो हटाने को लेकर विवाद हुआ है अभी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ वीडियो भी आई है सामने, कुछ विवाद हुआ है? विवाद वगैरह कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। अभी वो क्या बच्चे लोग रहते तो बच्चे लोग में थोड़ा जरा वो बच्चे लोग के ऊपर ध्यान नहीं देने का रहे तो बच्चे लोग थोड़ा अपना मगजमारी करते तो वो सब विवाद वगैरह कुछ भी नहीं है, वो शांति से सब हम लोग कोशिश करेंगे कि हाँ। और ये सब जो खासदार निधि का जो काम है ये सब उनके ही माध्यम से हो रहा है। महेंद्र भाई, यहाँ पर बैनर लगाने को लेकर विवाद हुआ, यहाँ पर आज शाम को खासदार आने वाले हैं और एनसीपी और शिवसेना के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, क्यों ऐसा? अभी जो सामने आए हुए हैं वही नगर से पहले राष्ट्रवादी के थे, जितेंद्र आवाड़ साहब के निधि से राष्ट्रवादी के माध्यम से यहाँ पे काम हुआ है, वैसे लेटर से फाइल बनी हुई है। अब अगर अपने निजी फायदे के लिए कोई लोग अगर राष्ट्रवादी छोड़ के दूसरी जगह पे गए तो ठीक है, अगर वो कर रहे हैं तो वो करें, उनको क्या करना है, अगर जनता का काम हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन कोई झूठा श्रेय लेने जाएगा तो हम लेने देंगे नहीं। ये जितेंद्र आवाड़ साहब के निधि से काम हुआ है और ये काम उनके निधि से हुआ है, वही नगर सेवक थे जो आज राष्ट्रवादी छोड़ के जा रहे हैं, तो राष्ट्रवादी छोड़ने से अगर ये नेता बदली तो करेंगे, नेता है। बदली करने से जिसने काम पहले किया है तो अभी दूसरे का दामन पकड़ लिया इन्होंने,
इन्होंने दूसरे का दामन पकड़ लिया है और जो पहले नेता था इन्होंने अगर अपना नेता बदली किया है तो भी नेता इन्होंने बदली किया है, काम तो बदली नहीं होने वाला। जिनके निधि से काम हुआ है वो नेता तो वही है, जितेंद्र रावड़ है, तो काम तो उन्होंने किया हुआ है। लेकिन ये काम तो बताया जा रहा है खासदार की निधि से हो रहा, 16 जगह काम है, 6 करोड़ रुपए की लागत से ये काम किया जाएगा, खासदार की निधि है। देखो खासदार की निधि है, किया जाएगा जो वर्क ऑर्डर है वो भी खासदार के। हाँ, तो ये सब वर्क ऑर्डर वगैरह पेपर डिक्लेयर करे और ये काम करने के बाद में मालूम पड़ेगा काम शुरू होने के बाद, क्योंकि खासदार सिर्फ मुमरा के खासदार थोड़ी बने, वो मुख्यमंत्री क्या मुमरा के बने। आज इतना करोड़ों का निधि क्यों डाल रहे मुमरा में, आज तक कहा थे खासदार, आज ही थोड़ी बने, तो इतने साल पहले इन्होंने निधि क्यों नहीं डाला और आज अचानक इतना पैसा, पर्सनल पैसा बांट रहे, अचानक जिनके घरों में लाइट बिल नहीं भर रहे वो लोग नई नई गाड़ियाँ खरीद रहे, ये सब पैसा कहाँ से आया और ये अचानक पैसा सिर्फ मुमरा में खर्चा कर रहे हैं। मतलब कलवा और मुमरा के खासदार बने, कलवा और मुमरा के मुख्यमंत्री बने, करो सब जगह करो, सभी का विकास करो। जाओ कल्याण डोंबिवली में गटर नाले नहीं दिख रहे तो मैं दिखाता हूँ, मुमरा के गटरों में ढूंढने क्यों आ रहे, क्या बचा है क्या टूटा है। और वही नगर सेवक करेंगे जो पहले राष्ट्रवादी में थे, बोलते काम नहीं हुआ राष्ट्रवादी से, अभी दूसरी जगह जा रहे। अरे तुम थे तभी काम नहीं हुआ, अब तुम हट जाओ, काम देखो कैसा होगा, कॉन्ट्रैक्टरों से पैसा खाया है तुमने। लोगों का ये भी कहना है कि अगर काम किए होते तो फिर जो है खासदार को यहाँ के काम नहीं करना पड़ता। नहीं, ऐसा नहीं है, सही बात है, अगर उन नगर सेवकों ने काम किए होते जो काम करने नहीं दे रहे थे राष्ट्रवादी में होके, पैसे नहीं खाते, कॉन्ट्रैक्टर को हैरेसमेंट नहीं करते, तो बेशक काम होता। अब ये पैसा आया ये भी वो खाएंगे, ये लोगों के लिए नहीं झगड़ा कर रहे, ये झगड़ा हो रहा है कि कौन पैसा ज़्यादा खाएगा। अभी हम लोग आएंगे तो हम लोग भी उनसे पैसा खाएंगे, तो नया कोई आया पैसा बांटने तो पैसा खाने को फिर ये लोग तैयार हो गए हाथ आगे करके। ये तो हमेशा गया लोग का, हर 5 साल में ऐसे रंग दिखते हैं गिरगिट की तरह, फिर ये लोग एक लाइन पकड़ के फिर वापस राष्ट्रवादी करेंगे या तो फिर आवाज़ साहब के पैर पकड़ेंगे और फिर अपना उल्लू सीधा करने को फिर आ जाएंगे लोगों। बबलू भाई, बैनर को लेकर विवाद हुआ, अभी खासदार की निधि से बताया जा रहा हो रहा है, आपके कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि आवाज साहब की निधि से हो रहा है, श्रेय लेने की होड़ लगी है क्या ये? देखो 2009 से जब से आवाज साहब आए पूरे लोगों को, पूरे मुमरा को, पूरे आवाम को मालूम है कि काम किसने किया है। अभी जो देखना ही नहीं चाहते, जिसने काला चश्मा लगाया उनको विकास नहीं दिखा तो हम उसको क्या करें। जो दो रोड का जो काम किया जा रहा है, साहब के विशेष निधि थे, गाँव देवी का रस्ते का काम हुआ था, वही रस्ते का फिर से काम उसको निधि ला के फिर से वो काम करने जा रहे हैं। काम अभी भी रास्ता वैसी है तो उसको डाकटुकी का काम करके थोड़ा बहुत ग्रामीकरण कर देंगे, उसका पैच मार देंगे तो काम हो जाएगा, मगर लोगों को आदत ही पड़ी है कि निधि लेके कॉन्ट्रैक्टर को मैनेज करके पैसा खाने की आदत ही पड़ी है। अभी नगर से उनको पार्टी चेंज करने की जरूरत क्या है, जब तुमको काम ही नहीं करे, अभी तुमको लोगों के सामने जाना ही नहीं है, अपने मुफाद के लिए पार्टी चेंज कर रहे हैं और क्या है।